खेती तथा खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अभी एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें और खेती से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको लहसुन से अधिक उत्पादन लेने के लिए और गांठों के उचित विकास के लिए एकीकृत पोषक प्रबंधन तकनीक के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से लहसुन में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करें ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन और एवं गांठों का समुचित विकास आपको मिल सके। किसान भाइयों, लहसुन में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के अनुसार करना चाहिए। सामान्यतः लहसुन के लिए 100 क्विंटल पकी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ लहसुन की बुआई के 15 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला दें। रासायनिक उर्वरकों में किसान भाइयों 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति एकड़, 50 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ और 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ लहसुन की बुआई के एक सप्ताह पहले खेत में मिला दें। यदि किसान भाइयों मृदा परीक्षण की रिपोर्ट में यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो जिंक सल्फेट 33% 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लहसुन की बुआई के एक सप्ताह पूर्व आप खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद किसान भाइयों लहसुन की बुआई कर दें। इसके बुआई के 30 से 40 दिन बाद 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ छिड़काव करके दें और इसके बाद सिंचाई कर दें। यदि किसान भाइयों लहसुन के पौधों की वृद्धि यदि आपको कम दिखाई दे तो पानी में घुलनशील उर्वरक 19-19-19 इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर लहसुन की बुआई के 30 दिन बाद 45 दिन बाद और 60 दिन बाद 3 छिड़काव करें। इसके बाद किसान भाइयों पानी में घुलनशील उर्वरक 13-0-45 इसके भी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर लहसुन की बुआई के 75 दिन बाद 90 दिन बाद और 105 दिन बाद यदि आप छिड़काव करेंगे तो आपको लहसुन की भरपूर उपज प्राप्त होगी, साथ में गांठों का भी अच्छा विकास होगा। साथ में किसान भाइयों लहसुन में सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर लहसुन की बुआई के 45 दिन बाद और 60 दिन बाद 2 छिड़काव करेंगे तो इससे आपको लहसुन की अच्छी उपज एवं गांठों का समुचित विकास मिलेगा और आपको लहसुन से अच्छा उत्पादन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।